स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद जोधपुर अपने आश्रम की नाबालिग के साथ यौन दुराचार के आरोप में फंसे आसाराम लंबे समय बाद आज आखिरकार अपना आपा खो बैठे। सुनवाई के दौरान जब आसाराम को पेश किया गया तो मीडिया ने आसाराम से पूछा कि आप संत हो या कथावाचक की श्रेणी में, तो आसाराम झल्ला उठे और आपा खोते हुए कहा कि मैं तो गधों की श्रेणी में। जब दोबारा पूछा कि आपके द्वारा ऐसा कहना उचित है, क्या आप अपने को गधा कह रहे हैं, वो सही है, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या जवाब दूं। लगातार बचाव पक्ष के गवाहों के नहीं आने से और अखाड़ा परिषद द्वारा फर्जी गवाहों की लिस्ट में आसाराम को बताए जाने पर आसाराम इतने दिन तो चुप थे, लेकिन आज आखिरकार श्रेणी में है या कथावाचक की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में। आसाराम जी, आप संतों की श्रेणी में है या कथावाचक की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में। आसाराम जी, आप संतों की श्रेणी में है या कथावाचक की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में। आसाराम जी, आप संतों की श्रेणी में है या कथावाचक की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में। आसाराम जी, आप संतों की श्रेणी में है या कथावाचक की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में। आसाराम जी, आप संतों की श्रेणी में है या कथावाचक की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में। आसाराम जी, आप संतों की श्रेणी में है या कथावाचक की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में। आसाराम जी, आप संतों की श्रेणी में है या कथावाचक की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में। आसाराम जी, आप संतों की श्रेणी में है या कथावाचक की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में। आसाराम जी, आप संतों की श्रेणी में है या कथावाचक की श्रेणी में, गधों की श्रेणी में, गधों की श्रेणी।